द वर्स्ट थिंग कि मेरे को इस बात का ज्यादा बुरा लगा था कि मेरे को कोई फोन कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक बार फिर से पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे दिख रही है। अपने 9 में से सिर्फ 2 मैचेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अभी तक जीते हैं, लेकिन फिर भी हजारों लाखों लोग आज भी आरसीबी को रिलीजियसली फॉलो करते हैं। मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 16 सीजन हो चुके हैं आईपीएल के और अभी तक आरसीबी ने एक बार भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती है। लेकिन फिर भी आरसीबी फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल टीम है आईपीएल की। आईपीएल में हमें हर सीजन में देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं आरसीबी मैचेस नहीं जीत पाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैच के बाहर एक और बड़ा गेम चलता है जिसमें हर साल आरसीबी जीतती है और केकेआर और सीएसके जैसे बड़े बड़े टीमों से कई गुना आगे निकल चुकी है आरसीबी। तो ऐसा कर क्या रही है आरसीबी जिसके वजह से वो मैचेस हारती तो जरूर है, लेकिन वो मैचेस हार कर भी आईपीएल के हर सीजन में जीत जाती है। आइए बताता हूं मैं आपको इस वीडियो में। आईपीएल एक बार फिर से भारत में शुरू हो चुका है और ये आईपीएल भारत में एक त्योहार जैसा मनाया जाता है। आईपीएल दुनिया की सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल लीग भी है और ये सीधा सीधा एनएफएल को टक्कर देने लग रही है। आईपीएल को आज इतना बड़ा बनाने के पीछे फैंस तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आईपीएल की टीम्स भी एक बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। आईपीएल में हर साल हमें कुछ नया देखने को मिलता है। किसी दिन कोई बैट्समैन लोगों का दिल जीत जाता है, तो किसी दिन कोई बॉलर आखिरी ओवर में अपनी टीम को मैच जितवा देता है, और कभी कोई अंडरडॉग टीम आईपीएल का टाइटल ले जाती है। लेकिन हर साल एक और चीज हमें कंसिस्टेंटली देखने को मिली है आईपीएल में, वो है बुरी किस्मत। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बुरी किस्मत। कंसिस्टेंटली 16 सीजन हो चुके हैं अभी तक आईपीएल के और उसमें फैन फेवरेट कहीं ना कहीं रहती है आरसीबी, और आज तक वो एक भी टाइटल नहीं जीत पाई है। 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जन्म हुआ था, तो उस समय राहुल द्रविड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कैप्टन हुआ करते थे और अपना पहला आईपीएल बहुत ही ज्यादा खराब खेली थी आरसीबी। सिर्फ और सिर्फ 4 मैचेस जीत पाई थी वो टोटल 14 मैचेस में से, और उन्हें बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। 2009 में एक बार फिर से कैप्टन चेंज हो जाते हैं। इस बार केविन पीटरसन जी कैप्टन बनते हैं हमारे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के, और इस बार आरसीबी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। 8 मैचेस जीत पाती है वो टोटल 14 मैचेस में से, और आरसीबी 2009 के फाइनल्स में पहुंच जाती है, जहां पे डेक्कन चार्जर्स जो कि उस समय की एक अंडरडॉग टीम थी वो आरसीबी को हरा देती है। इसके बाद एक नया साल आता है 2010 की, चलिए बात करते हैं हम। इस बार फिर से कैप्टन चेंज हो जाते हैं और इस बार अनिल कुंबले जी कैप्टन बनते हैं। एक बार फिर से आरसीबी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, एक एवरेज परफॉर्मेंस रहती है आरसीबी की। ये जो पहले 3 साल थे आरसीबी के, वो पूरा का पूरा फ्यूचर डिसाइड कर चुके थे आरसीबी का। देखिए, पहले 3 सालों में ही हमें ये देखने को मिला है कि पहले 3 सीजन्स में ही आरसीबी अपने कैप्टन्स हर सीजन बदल रही थी। एक तरफ जब बाकी सारी जो टीम्स थी वो अपना कोर मजबूत करने में फोकस कर रही थी, अच्छा खेल खेलने की कोशिश कर रही थी, वहीं अभी तक आरसीबी अपना कैप्टन नहीं डिसाइड कर पाई थी, यानी अपने कोर को मजबूत नहीं कर पाई थी आरसीबी अभी तक। विराट कोहली शुरू से ही आरसीबी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इसके बाद क्रिस गेल और एवी डिविलियर्स जैसे बड़े बड़े बैट्समैन आरसीबी के साथ जुड़ते हैं, और इसके वजह से आरसीबी की पॉपुलैरिटी आसमान छू जाती है। जब इतने बड़े बड़े नाम किसी भी टीम से जुड़ जाते हैं तो उस टीम से उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन किसी भी सीजन में आरसीबी अपने फैंस के उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पा रही थी। आरसीबी एज अ टीम कभी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। हमेशा यही लगता था कि या तो विराट कोहली मैच जितवाएंगे, या तो क्रिस गेल जी मैच जितवाएंगे, या तो एवी डिविलियर्स जी मैच जितवाएंगे। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने सिर्फ बैट्समैन का नाम लिया, क्योंकि शुरू से ही आरसीबी अपने बॉलिंग पे कभी फोकस ही नहीं कर पाई थी। लेकिन इस खराब समय के बाद 2016 का समय आता है, और ये 2016 का समय आरसीबी की पूरी किस्मत बदल देने का दम रखता था। 2016 वही समय था जो आरसीबी का बेस्ट ईयर अभी तक का माना जाता है। इसी साल आरसीबी एज अ टीम बहुत अच्छा खेल पा रही थी, और हमारे जो विराट कोहली जी हैं, जो आरसीबी की जान है, ये उनका भी बेस्ट सीजन माना जाता है। विराट भाई ने अकेले 973 रन्स बनाए थे इस आईपीएल के सीजन में, जो कि हाईएस्ट है एक सीजन का बाय कोई भी प्लेयर कोई भी टीम का। और हैरानी की बात तो यह है कि 2016 वही साल है जिस साल में बैटिंग तो मजबूत दिख रही थी हमें आरसीबी की, और बॉलिंग भी बहुत ज्यादा मजबूत दिखने लग रही थी। इसी साल के आईपीएल आरसीबी एक बार फिर से फाइनल में पहुंची थी, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद से 8 रनों से आरसीबी हार गई थी।
जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 8 रन दूर थे आईपीएल की ट्रॉफी और आरसीबी के बीच में। अब इसके बाद शुरू में जो मैंने आरसीबी की मैनेजमेंट के बारे में आपने बताया था, कैसे उन्होंने पहले 3 सालों में 3 कैप्टन्स बदल दिए थे। 2016 के बाद आरसीबी की जो मैनेजमेंट है वो तो पूरी क्रेजी हो जाती है। वो ऐसे ऐसे प्लेयर्स को अपनी टीम से जाने देती है जिसके वजह से आरसीबी का नाम इतना बड़ा बना है। आरसीबी जिस लेवल पे पहुंचा था वो कहीं ना कहीं क्रिस गेल के वजह से भी पहुंचा था। बहुत बड़ा रोल प्ले किया करते थे क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक समय पे सिर्फ और सिर्फ क्रिस गेल को बैटिंग करते देखने के लिए मैं आईपीएल देखा करता था। लेकिन 2018 में आरसीबी की जो मैनेजमेंट है वो क्रिस गेल को जाने देती है। जी हाँ, वो लेट गो कर देती है क्रिस गेल को, क्योंकि 2017 में क्रिस गेल अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए थे। वो विश्वास नहीं करती है क्रिस गेल के ऊपर और इसके बाद वो पंजाब के साथ चले जाते हैं जहां पे वो फिर से बाकी टीमों के छक्के छुड़ा देते हैं। हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि चहल को हम सब जानते भी है और हम सब बहुत प्यार भी करते हैं। आरसीबी की मैनेजमेंट शायद उतना प्यार नहीं करती है क्योंकि आगे जाके चहल को भी आरसीबी निकाल देती है, जो न्यूज सुनकर चहल को भी झटका लग गया था। द वर्स्ट थिंग कि मेरे को इस बात का ज्यादा बुरा लगा था कि मेरे को कोई फोन कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया, ना मुझे बताया गया कि आप एटलीस्ट बात करते हैं, क्योंकि मैं आई थिंक उनके लिए 114 मैचेस खेल चुका था और मेरे को कुछ नहीं पता लगा कि मतलब क्या हुआ। सडनली मैं ऑक्शन में आया तो दे प्रॉमिस मी कि हम आपके लिए ऑल आउट में जाएंगे, ऑल आउट जाएंगे। मैं कहा ठीक है, अगर समवन टेलिंग मी, मैं कहा ठीक है। लेकिन जब उधर गया तो आई वॉज वेरी एंग्री। अब देखिए, हर एक सीजन आरसीबी हारती कैसे है, अब बाकी टीमों से आरसीबी का कंपैरिजन करेंगे तो हम बाकी टीम्स में देखते हैं कि इंडिया के बहुत सारे यंगस्टर्स उसमें रहते हैं। यंगस्टर्स जो कि भारत का भविष्य बनने वाले हैं वो उनकी टीम से खेलते हैं और उनकी टीम को जितवाते भी हैं। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कभी भी यंगस्टर्स पे बैट लेती ही नहीं है। वो हमेशा ऐसे प्लेयर्स को खरीदती है जो कि पहले से ही वेल एस्टैब्लिश्ड है, यानी कि एक अच्छे क्रिकेटर है। वो कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती है यंग क्रिकेटर्स के साथ, और बाकी सारी टीम्स यंग लोगों के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करती है। और इसी की वजह से भारत जो नेशनल टीम है भारत की, उसमें भी बहुत सारे प्लेयर जा चुके हैं आईपीएल की मदद से। 16 सीजन फिर से याद दिलाना चाहूंगा, 16 सीजन में एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई आरसीबी, लेकिन फिर भी आज 2024 में 4th मोस्ट वैल्यूएबल टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल की, और उसका वैल्यू 582 करोड़ बताया जाता है। तो पिछले 16 सीजन में आरसीबी ने ऐसा क्या किया है कि पिच पे तो वो मैच जीतती नहीं है लेकिन पिच के बाहर वो हमेशा मैच जीत पाती है, यानी कहीं ना कहीं वो हार के भी हर मैच को जीत जाती है। आरसीबी ने किया यह है कि आरसीबी ने एक क्रिकेटिंग फ्रेंचाइज नहीं बनाई है, आरसीबी ने एक ब्रांड बनाया है। शुरुआत से शुरुआत करते हैं। देखिए, जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में, तो उस समय विजय माल्या $111.6 million देकर आरसीबी को खरीद लिए थे। अब इसके बाद आरसीबी को खरीदने के बाद एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यह है कि उस समय दारू की एडवर्टाइजमेंट करना मना था भारत में, तो लोग अलग अलग तरीके ढूंढा करते थे अपने दारू को एडवर्टाइज करने के लिए। तो विजय माल्या आरसीबी को खरीद लेता है और उसके बाद उसे एक दारू के नाम पे रख देता है, रॉयल चैलेंजर के नाम पे रख देता है। इसके वजह से उसका दारू का प्रमोशन भी होता है और एक आईपीएल टीम भी उसके पास आ जाती है। अब जो विजय माल्या था वो भारत में एक लैविश लाइफस्टाइल जीता था। जी हाँ, वो जो आप मूवीज में देखते हैं अमीर लोग जो लाइफस्टाइल जीते हैं, वो विजय माल्या असल में अपनी जिंदगी में जीता था। और इसी लैविश लाइफस्टाइल के इर्द गिर्द आरसीबी को डेवलप किया गया। शुरू में जब मैचेस जीता करती थी आरसीबी तो बड़े बड़ी पार्टीज किए जाते थे उस समय बैंगलोर में, और विजय माल्या ये सारी पार्टीज को होस्ट करते थे। जिन होटल्स में पार्टीज होती थी उन होटल्स के बाहर बहुत सारे फैंस आके खड़े हो जाते थे क्योंकि वो अपने फेवरेट प्लेयर को देखना चाहते थे मैच जीतने के बाद। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने फैंस से इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए जब कोई नहीं करता था तब आरसीबी फिनेटिक फैन चैलेंजेस जैसे चैलेंजेस करती थी, जिसमें अगर कोई फैन ये चैलेंज जीतता है तो उसको आरसीबी की टीम के साथ समय बिताने का मौका मिलता था। ये सबसे हुआ क्या, ये सब चीजों के वजह से आरसीबी की एक लॉयल फैन बेस डेवलप हुई जो कि आज के दिन भी वैसी ही खड़ी हुई है जैसी उस दिन खड़ी थी। अब एक समय आ जाता है जब विजय माल्या भारत से एग्जिट ले लेता है और आईपीएल से भी एग्जिट ले लेता है। ये वही समय था जब विराट कोहली एक सुपरस्टार बन चुके थे भारत के, तो अब आरसीबी को किसी और स्टार की जरूरत नहीं थी, विराट कोहली के नाम से ही आरसीबी चल जाती थी। और फिर एवी डिविलियर्स, क्रिस गेल जैसे बड़े बड़े नाम भी इससे जुड़े हुए थे, जो कि सिर्फ अकेले इस टीम से नहीं जुड़े हुए थे, वो अपने फैंस
रन्स को भी इस टीम से जोड़ रखे थे। आरसीबी ने हमें दिखा दिया है कि सिर्फ और सिर्फ मैच जीतना सब कुछ नहीं होता है, मैच जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी फैन बेस। मैच जीत के ज्यादा से ज्यादा आप क्या ही जीत जाओगे, आईपीएल की प्राइज मनी जीत जाओगे, लेकिन उससे कुछ ज्यादा की उम्मीद आज भी बहुत सारी टीम नहीं करती है। केकेआर जो कि आईपीएल का टाइटल दो बार जीत चुकी है, अभी भी आरसीबी की जो फैन बेस है वो केकेआर से कुछ ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है आरसीबी की फैन बेस। आरसीबी का जो बिजनेस मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ उनके फैंस के वजह से है, और इसी के वजह से आरसीबी बड़ी बड़ी डील्स साइन कर पाती है। प्यूमा को तो आप जानते ही होंगे, 2021 में आरसीबी के साथ प्यूमा ने एक डील साइन किया था। अब इस डील के वजह से आरसीबी वो पहली टीम बन जाती है आईपीएल की जिसकी जो जर्सी होती है वो ऑनलाइन भी मिलने लगती है और ऑफलाइन प्यूमा के स्टोर्स में भी मिलने लगती है, जो कि आईपीएल के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि प्यूमा जैसी कंपनी के दुकानों पर अब आरसीबी के टी शर्ट्स मिला कर रहे थे। इसके बाद मिंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो 2023 में कतार एयरवेज के साथ आरसीबी ने एक डील साइन किया था। जी हां, इससे ज्यादा और इससे बड़ी डील जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई इंडियंस अभी तक साइन कर पाई है, जो कि आईपीएल के टाइटल को 5 बार जीत चुकी है। करीबन 100 करोड़ का उनका डील था, लेकिन आरसीबी का डील 75 करोड़ का होता है, जो कि सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल डील है अभी तक का आईपीएल का। आरसीबी अपनी इसी पब्लिक इमेज को बनाए रखने के लिए बड़े बड़े इवेंट्स भी करवाती है अपने फैंस के लिए। आरसीबी ने अभी हाल ही में अनबॉक्स करके एक इवेंट करवाया था जहां पे उन्होंने एक पूरा का पूरा स्टेडियम सेल आउट कर दिया था सिर्फ और सिर्फ अपने प्रैक्टिस को दिखाने के लिए और अपने फैंस से इंटरैक्ट करने के लिए। इमेजिन करके देखिए, एक पूरा स्टेडियम भर जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने पसंदीदा टीम को प्रैक्टिस करते हुए देखने के लिए। आरसीबी ये दम रखती है आईपीएल में, और इसी वजह से आरसीबी एज अ टीम आईपीएल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों पूछेंगे आप? क्योंकि बाकी जो मैचेस की टिकटिंग प्राइस होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, और जैसे ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टिकटिंग आती है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है, इवन आसमान छू जाती है वो। आपको 2024 का मैं डेटा बताऊं तो आप मानेंगे नहीं, जो लास्ट सेकंड्स में टिकट सेल होती है, आरसीबी की टिकट 50,000 रुपयों तक सेल हो जाती है। अब देखिए, आरसीबी मैचेस जीते या ना जीते, हर बार उनके फैंस वेट करते रहेंगे कि आरसीबी कब आईपीएल जीतेगी, लेकिन ग्राउंड पे वो कभी जीते ना जीते, वो ऑफ ग्राउंड हर बार आईपीएल जीतेगी ही, क्योंकि ऐसा ही कुछ बिजनेस मॉडल है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। अब आप क्या सोचते हैं इनके बिजनेस मॉडल के बारे में? क्या आप भी आरसीबी के एक फैन है जो कि उनके जीतने का इंतजार कर रहे हैं, और इस बार आईपीएल देखकर फिर से एक बार आपका दिल टूट चुका है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमें ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।